हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास डे 9। तो फिर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का फाइनल वीडियो होगा, जिसके बाद हम अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो इससे पहले कि क्लास हम स्टार्ट करें, इससे पहले मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहूँगा। कल मैं गलती से आपको ये बोल गया था कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर धर्मपाल थे। बोलना मैं ये चाह रहा था कि धर्मपाल ने फाउंड की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, लेकिन मेरे को आपको ये भी बताना था कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल। तो ये चीज़ें मैं आपस में मिक्स कर गया था कल गलती से, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड की थी धर्मपाल ने, और पाल डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, वो थी गोपाल ने। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, किन्नी लेडी का कमेंट आया था वीडियोस पे, वो पूछना चाह रही थी सुदर्शन लेक किसने बनवाया, वो रिफर्म करवाना चाह रही थी। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि सुदर्शन लेक बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर पुष्यगुप्त ने बनाया था सुदर्शन लेक। और जहां बात चंद्रगुप्त मौर्य की चल पड़ी है, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो एक क्वेश्चन मुझसे रह गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का किंगडम आपका कहां तक एक्सटेंड होता था वेस्ट में, तो वो होता था आपका इंडस रिवर तक। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कहां तक किंगडम जाता था वेस्ट में, तो वो था इंडस रिवर तक। ठीक है, तो और एक और क्वेश्चन जो दो तीन वीडियोस पहले था, मैंने आपको बताया था, वो आई होप आपने करेक्शन कर लिया होगा कि कनिष्क ने कब गद्दी पे बैठे थे, तो वो था 127 AD। अब की बार 78 AD मत टिक लगाया ना, अगर आपको ऑप्शन से 127 AD या 128 AD में से कोई होता है तो उसी पर टिक लगाना है आपको। ठीक है, अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आज का अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इज नॉट अ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत के मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी, गॉथिक स्टाइल। तो आपका जो गॉथिक आर्किटेक्चर ये फ्लोरिश हुआ था यूरोप में लेट मिडिल एजेस के अंदर, और इसको सक्सीड किया था रिनाइसेंस आर्किटेक्चर ने। ये 12th century फ्रांस के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, और ये मेनली कैथेड्रल्स और चर्चिज के अंदर यूज लिया गया 16th century तक। तो 16th century तक के जो चर्चिज और कैथेड्रल्स हैं उसके अंदर ये वाइडली यूज आपको मिलेगा। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब कंदरिया महादेव मंदिर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो आपका करवाया गया था ऑप्शन नंबर ए, चंदेल राजाओं द्वारा। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये भगवान शिव का मंदिर था, और ये जो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेंपल्स है उसमें से सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर मंदिर है, जिसको कि बनवाया था 1050 AD के अंदर राजा धनदेव ने, जो कि एक चंदेल राजा था। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुंभ सुदिनी वॉज बिल्ट बाय, देवी निशुंभ सुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देवी निशुंभ सुदिनी का मंदिर बनवाया गया था आपका चोल राजाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये टेम्पल बनवाया था विजयालय ने 850 एडी के अंदर, जब उसने तंजोर को कैप्चर कर लिया था, और देवी निशुंभ सुदिनी है अपनी देवी दुर्गा। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि ये मंदिर कौन सी देवी का है, तो यह अपने दुर्गा माता का मंदिर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास डायनेस्टी, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल ये 16th केव है 32 केव में से, ये केव इसके अंदर एलोरा केव्स के अंदर, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि ये कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था 8th century के अंदर। और कृष्ण फर्स्ट कौन थे, ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर थे दंतीदुर्ग, उनके अंकल थे, ये मैं कल दो तीन बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजाओं के द्वारा। ईजी था ये, इसके 10th century से लेकर 13th century के बीच में, ये लगभग 200 सालों के जो पीरियड है, इसके अंदर कई सारे चंदेल राजाओं ने बनवाया था, और ऐसा कहा जाता है कि हर राजा ने अपना एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ये महोबा जो कि चंदेल राजाओं की कैपिटल थी, उससे 57 किलोमीटर दूर बनाया गया है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स,
उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण इनमें से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर करवाया गया था नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा। ये टेम्पल 13 सेंचुरी के अंदर नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। ये रूलर था ईस्टर्न गंग डायनेस्टी का और ये भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। एक ये किंवदंती के अनुसार भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे सांबा, उनके कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी हो गया था, जिसको कि भगवान सूर्यदेव ने ठीक किया था। इसीलिए सूर्यदेव के ऑनर में इन्होंने ये मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये एक लेजेंड कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द टाइटल ऑफ मदुराई कोंडा? मदुराई कोंड की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो मदुराई कोंड की उपाधि ग्रहण की थी आपके प्रांतक फर्स्ट ने। प्रांतक फर्स्ट ने राज सिंह सेकंड जो पांड्य रूलर था उसको हराया और मदुराई को कैप्चर कर लिया, इसलिए फिर उसने ये टाइटल लिया मदुराई कोंड यानी कि कैप्चर ऑफ मदुराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु कॉन्कर्ड द कंप्लीट श्रीलंका? संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता था? तो संपूर्ण श्रीलंका को जीता था आपके ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट ने। देखिए, राजा राज फर्स्ट ने श्रीलंका पे सबसे पहले अटैक किया और उसका नॉर्दर्न जो पार्ट था उसको कैप्चर कर लिया। फिर उसका जो बेटा आया राजेंद्र फर्स्ट, उसने कंप्लीट श्रीलंका को कैप्चर कर लिया और अनुराधापुर को अपनी कैपिटल बना ली। अनुराधापुर कैपिटल थी अनुराधापुर किंगडम की। अनुराधापुर किंगडम अपनी एक कैपिटल के नाम से ही जाना जाता था, इसी के नाम पर फिर इस किंगडम को जाना जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रूल्ड ओवर श्रीलंका फॉर 50 ईयर्स? श्रीलंका पर किसने 50 वर्षों तक शासन किया था? तो वो आपका करेक्ट आंसर है एलारा। एलारा ये अपना अर्लीस्ट नॉन चोल किंग है, चोल्ड नहीं, चोल किंग है, और इसने श्रीलंका पे कैप्चर किया और 50 सालों तक वहां पे राज किया। हु परमिटेड शैलेंद्र किंग टू बिल्ड चूड़ामणि बुद्धिस्ट विहार एट नागपट्टिनम? शासक शैलेंद्र को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार का निर्माण करवाने की अनुमति किसने दी थी? तो वो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राजाराज प्रथम, राजाराज फर्स्ट। राजाराज फर्स्ट ने ये अनुमति दी नागपट्टनम में ये बुद्धिस्ट विहार, चूड़ामणि बुद्धिस्ट विहार बनाने की। और राजाराज प्रथम ने खुद ने क्या बनवाया था? इसने ये राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया था। राजा राजेश्वर टेम्पल कौन सा टेम्पल है, कहां पर है, ये हम आगे कुछ एक क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कासु और कालांजू वर द चोला कॉइन्स मेड अप ऑफ विच मेटल? कासु या कालांजू चोल काल के सिक्के थे जो किस धातु से बने होते थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी गोल्ड। ये कॉमन सेंस की बात है, अगर वो पूछेगा मेनली तो गोल्ड के अंदर ही सबका इंटरेस्ट होता है, तो गोल्ड के कॉइन है। अगर ये क्वेश्चन को रिवर्स कर देते कि ये गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता है, तब आपके लिए दिक्कत हो सकती थी। मैंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बना दिया, रिवर्स कर देते तो ज्यादा दिक्कत हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री जेम्स ऑफ तमिल पोइट्री? निम्न में से कौन तमिल काव्य के तीन रत्नों में से एक नहीं है? तो तमिल काव्य जो तमिल काव्य है उसके जो तीन रत्न है वो है कंबन, कुट्टन और पुगलनेडी। तो फिर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जायनोडर। अब ये कंबन, कुट्टन और पुगलनेडी आपके तमिल के तीर्थरत्न हैं। और ये कंबन जो है इन्होंने आपने रामावतारम यानी कि कंब रामायण भी जिसको कहते हैं वो लिखी थी। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंब रामायण किसने लिखी थी या रामावतारम किसने लिखी थी। कंब रामायण अगर कोई दे दिया तो ये कोई भी बता देगा कंबन ने लिखी थी, लेकिन रामावतारम किसने लिखी थी ये दे दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये भी चीज याद रख लीजिए कि कम रामायण को ही रामावतारम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक आपका था ऑप्शन नंबर ए सिंह विष्णु। हु कंस्ट्रक्टेड विजय स्तंभ एंड देवालय इन रामेश्वरम? रामेश्वरम में विजय स्तंभ तथा देवालय का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आपका करवाया था कृष्ण थर्ड ने। राष्ट्रकूटों का ये राजा था कृष्ण थर्ड और इसने विजय स्तंभ और देवालय का रामेश्वरम में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द वराह केव टेम्पल एट मामल्लपुरम? ममल्लपुरम में वराह गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये ममल्लपुरम जो है इसको हम महाबलीपुरम भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपका करवाया था ऑप्शन नंबर बी
पल्लव राजा ने। वराह केव टेम्पल ये सबसे मतलब ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है पल्लव आर्ट का, और इसको बना था किसके रेन में, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के रेन के अंदर बना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु रोट मतविलास प्रहसन, मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो मतविलास प्रहसन की रचना की थी महेंद्र वर्मन ने, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो ये पल्लव किंग था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये आपको ध्यान होगा, कल मैंने आपको बताया था ये पल्लव किंग था जिसको पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। पुलकेशिन सेकंड को फिर महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बेटे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हरा दिया था। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं इसने लिखी थी ये 7th सेंचुरी के अंदर, ये लिखी थी ये तमिलनाडु के अंदर, बिगनिंग के अंदर ये तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अब। हु रोट दशकुमार चरित, दशकुमार चरित किसने लिखी थी? तो दशकुमार चरित लिखी थी आपके दंडी ने। ये दंडी ये कोर्ट पोएट थे पल्लव जो किंग नरसिंह वर्मन सेकंड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हु टुक द टाइटल ऑफ परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि किसने धारण कर ली थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी आपके पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड ने ये उपाधि कब धारण की थी? जब उसने हर्षवर्धन को हरा दिया था उसके बाद ये उपाधि धारण की थी। हु रोट शांति पुराण, शांति पुराण किसने लिखी थी? तो शांति पुराण आपकी लिखी थी पोन्ना ने। ये पोन्ना ये कन्नड़ पोइट थे, किसके? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा था कृष्ण थर्ड, उसके अंदर उसके कोर्ट के अंदर ये पोइट थे उसके दरबार में। ठीक है, द बैटल ऑफ टकोलम वॉज फॉट बिटवीन, टकोलम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो टकोलम का जो युद्ध था वो आपका लड़ा गया था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में, और इसके अंदर क्या हुआ था, राष्ट्रकूट कृष्ण थर्ड ने हमला किया था चोल किंगडम पे। चोल ये इसमें बुरी तरह से हार गए थे, और चोल जो राजा था प्रांतक उसका पुत्र इस युद्ध में मारा गया था। बैटल ऑफ मस्की वॉज फॉट बिटवीन, मस्की का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका मस्की का युद्ध लड़ा गया था चोल और वातापी के चालुक्यों के बीच में लड़ा गया था। जो वातापी के चालुक्यों का राजा था जय सिंह द्वितीय, उसने चोल जो राजा था उसके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन वो बुरी तरह से हार गया क्योंकि और उस समय चोलों का जो राजा था वो था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, श्रीलंका को पूर्ण श्रीलंका पे इसने कब्जा किया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द बृद्धेश्वर टेम्पल ऑफ गंगाईकोंड चोलपुरम, गंगाईकोंड चोलपुरम का बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम आपको ध्यान होगा इसने गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, क्यों? क्योंकि इसने महिपाल जो था पाल डायनेस्टी का राजा उसको हराया था, और गंगा तक का जो किंगडम था वहां तक इसका गंगा तक ये पहुंच गया था, इसलिए इसने ये उपाधि ली थी और इसने ये मंदिर बनवाया था गंगाईकोंड चोलपुरम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, When did हिजरी इरा स्टार्ट, हिजरी युग या हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हिजरी संवत की स्टार्ट हुई थी 622 AD के अंदर। 622 AD में क्या हुआ था कि जो अपने मोहम्मद साहब थे पैगंबर साहब, उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी मक्का से मदीना की, तो तब से ये स्टार्ट होता है। ये कब से? सितंबर 24 622 AD से स्टार्ट होता है। अच्छा, पैगंबर साहब के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। पैगंबर साहब का जन्म हुआ था 570 AD के अंदर मक्का में, इनको एनलाइटनमेंट हुआ था 610 AD के अंदर हीरा जो केव है मक्का के पास वहां पे, और इनकी मृत्यु हुई थी जून 8 623 AD के अंदर, इनको मदीना के अंदर दफनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होली बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस, निम्न में से कौन सी पारसियों की पवित्र पुस्तक है? तो पारसियों की पवित्र पुस्तक कौन सी है, सबको पता होगी, ये ज़ेंडावेस्टा है। तो अपने थोड़ा सा और देख लेते हैं कि रिलीजन, होली बुक और प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में। तो ज़ोरास्ट्रियंस की होली बुक जैसे बताया ज़ेंडावेस्टा, और इनकी प्लेस ऑफ वर्शिप होती है फायर टेंपल। जो ये यहूदी होते हैं इनकी होती है टोरा, और इनकी भी प्लेस ऑफ वर्शिप कहलाती है सैनेगॉग। ये दोनों चीज़ें, बाकी दोनों की मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों भी अब आपकी गलत नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द लिंगायत और वीरशैव कल्ट, लिंगायत या वीरशैव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी बासवा ने। तो बासवना कौन थे? ये एक 12th सेंचुरी के फिलोसोफर थे, पोइट थे, सोशल रिफॉर्मर और भक्ति मूवमेंट शिव फोकस जो था, भगवान शिव जो अपने हैं, शिव भगवान के फोकस जो भक्ति मूवमेंट था उसके एक संत हुए।
किसके टाइम में, ये कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके रेन के अंदर ये हुए थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुंडी मल्लम लिंग, द ओल्डेस्ट आइडल ऑफ शिवा वॉज फाउंड एट, गुंडी मल्लम लिंग जो शिव जी की सबसे पुरानी मूर्ति है कहां पाई गई थी, तो भगवान शिव की ये सबसे पुरानी मूर्ति मानी जाती है और कंटिन्यूअसली जो की पूजी गई है वो मानी जाती है, और ये आपकी पाई गई थी रेनीगुंटा में। रेनीगुंटा आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हु वॉज द लास्ट चोला किंग, अंतिम चोल शासक कौन था, तो अंतिम चोल शासक था राजेंद्र तृतीय। ओहो, यहां पे सेकंड किसने लगा दिया, थर्ड कर लीजिएगा। तो अंतिम चोल शासक आपका था राजेंद्र तृतीय, जिसको कि हरा दिया था ये जैतवर्मा सुंदर पांड्य प्रथम ने, ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। किसने हराया था, ये जैतवर्मा सुंदर पांड्य ने इसको हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेन ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का शासनकाल की अवधि कौन सी थी, तो हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि थी आपकी 606 से 647 AD, ठीक है। व्हेन डिड फाहेन विजिट इंडिया, फाहेन भारत कब आया था, तो फाहेन भारत आया था 405 से ले 411 AD के बीच में, ठीक है। फाहेन किसके टाइम में आया था, तो आपको ध्यान होगा विक्रमादित्य, जिसको कि कहते हैं हम चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो गई है, तो अपने फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट की थोड़े समय आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। चंद्रगुप्त फर्स्ट था, इसको अपने लिच्छवी दोहित्र भी कहते थे, क्या कहते थे, CHCHAVIAUHITRA दोहित्र। ये किसको कहा जाता था, यह कहा जाता था चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड महाबलीपुरम, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, तो महाबलीपुरम की स्थापना की थी आपके पल्लव जो राजा हैं इन्होंने, पल्लव किंग में से किसने की थी, ये सिटी ऑफ महाबलीपुरम, इसको ये महामल्लमपुरम को महाबलीपुरम भी कहते हैं, मैंने आपको थोड़ा बताया था पहले भी। तो ये नरसिंह वर्मन किंग फर्स्ट था, उसने फाउंड किया था 7th century AD में। ये इसका नाम ये महामल्लमपुरम क्यों पड़ा, तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ये अपने आप को उपाधि दे दी थी महामल्ल, यानी कि ग्रेट रेसलर, मल्ल युद्ध होता है रेसलिंग आपकी, तो क्योंकि पल्लव राजों का फेमस स्पॉट था रेसलिंग, तो ये महामल्ल की इसने उपाधि ली और उसी के नाम से महामल्लपुरम पड़ा, जिसको कि हम महाबलीपुरम भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड, बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपका स्थित है तंजोर के अंदर, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था ना राजा राजेश्वर टेम्पल, तो ये वही टेम्पल है राजा राजेश्वर टेम्पल, जिसको राजा राज ने बनवाया था, ठीक है। तो ये हिंदू टेम्पल भगवान शिव जो अपने हैं शिव जी उनको डेडिकेटेड है, ये कावेरी के साउथ बैंक पे है तंजोर के अंदर, जैसे कि मैंने बताया इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा राज फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला के जो नागर शैली है उसका उदाहरण नहीं है, नागर शैली का कौन सा उदाहरण नहीं है, नागर शैली का जो ये उदाहरण उनमें से मुक्तेश्वर, लिंगराज, खाजुराहो, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये सारे के सारे नागर शैली के उदाहरण है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, निम्न में से कौन सा द्रविड शैली की स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं है, कैलाश टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजोर, जैन टेम्पल ऑफ लकुंडी या कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जैन टेम्पल ऑफ लकुंडी। जैन टेम्पल ऑफ लकुंडी आपका वेसर स्टाइल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब वेसर स्टाइल क्या है आपकी, सॉरी हाँ, तो वेसर स्टाइल आपकी है नागर और द्रविड़ जो स्टाइल है इसके हाइब्रिड स्टाइल को हम वेसर स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो वेसर स्टाइल किसके, किन दो स्टाइल्स के मिक्सर से मिली है, तो है द्रविड़ स्टाइल और नागर स्टाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सेवन पगोडाज ऑफ महाबलीपुरम आर अ विटनेस टू द आर्ट पैट्रोनाइज्ड बाय, महाबलीपुरम के सात पगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के गवाह हैं, तो वो है आपका पल्लवास। महाबलीपुरम जहां आ जाए तो आप देख लीजिए पल्लवास, ठीक है, महाबलीपुरम पल्लवास, बस ये टिक लगा दीजिएगा आप,
मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर सही ही होगा, ठीक है। तो ये सप्त पगोड़ा जो ये मंदिर है ये महाबलीपुरम के अंदर है और ये यूरोपियन टाइम से ही ये सप्त पगोड़ा कहा गया। सप्त पगोड़ा ये एक मिथ चली कि ये सात मंदिर ऐसे हैं, कि कहा जाता है किंवदंती है कि ये जो मंदिर जो है नरसिंह देव द्वितीय ने जो ये बनवाया पल्लव राजा, ये शीशोर ये जो है ये बे ऑफ बंगाल इसके किनारे पे खड़ा है और ऐसा माना जाता है कि इसके साथ छह मंदिर और खड़े थे। ये एक मिथ है कि ये किंवदंती चली हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द होयसल डायनेस्टी, होयसल वंश की स्थापना किसने की थी। तो होयसल वंश की स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वॉज बिल्ट बाय, अब गौर कीजिए कैलाशनाथ टेम्पल है, एक तो आपका कैलाश टेम्पल है एलोरा का, एक अब ये कैलाशनाथ टेम्पल है कांची का। तो कैलाशनाथ टेम्पल कांची का बनवाया था आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ टेम्पल। ये ओल्डेस्ट टेम्पल है कांचीपुरम का, इसको पल्लव राजा नरसिंह वर्मन सेकेंड ने 8th सेंचुरी के अंदर बनवाया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन सेकेंड को हम राजसिंहम भी कहते हैं और इसलिए इस टेम्पल को राजसिंह पलेश्वरम भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी। तो लिंगराज मंदिर की स्थापना आपकी करवाई थी ययाति केसरी ने, ठीक है। लिंगराज मंदिर अपने 11th सेंचुरी के अंदर था और भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है, ये तो आपको नाम से पता ही लग रहा होगा। और ये भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, ये बनवाया था ययाति केसरी जो कि सोम वंश का था और ये लाल पत्थर से बनाया और क्लासिक एग्जाम्पल है ये, किस स्टाइल का, ये कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसका ये क्लासिक एग्जाम्पल है। कलिंग का मतलब कि उड़ीसा, उड़ीसा में ही ये टेम्पल है, ठीक है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ट बाय, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था आपके चालुक्यों ने, ठीक है। तो ये मल्लिकार्जुन मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर कहां पे, पताडकल के अंदर कर्नाटक में। ये जो विक्रमादित्य था चालुक्य राजा, उसकी जो दो रानियां थी उन्होंने बनवाया था, किन याद में बनवाए थे, किस चीज के लिए, कि ये कम्यूमरेट करने के लिए कि इनकी जो विक्ट्री हुई थी चालुक्यों की पल्लवास के ऊपर, उसके लिए बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर को ये क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था, इसलिए इसको लोकेश्वर मंदिर भी स्टार्टिंग में कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following option is a match? निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें से अपने को बताना है कि कौन सी डायनेस्टी ने कौन सा मंदिर बनाया था। तो ये आपका एक ही ऑप्शन अब तक अपने पढ़ा भी है जो कि सही आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी खाजूराव चंदेल। बाकी मंदिर हम आगे देख लेंगे किस किस ने कौन सा बनाया था, अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कवर कर लेंगे हम इनको, ठीक है। नेक्स्ट, रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट इन द रेन ऑफ विच पल्लवा रूलर, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में करवाया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में करवाया गया था। जो ये पंच रथ कहा जाता है, ये एकल जो रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है जो कि 7th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था महाबलीपुरम के अंदर, ठीक है। किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। पर्पस इनका पता नहीं क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ था उस टाइम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चोल किंग्स कॉन्कर्ड सेलोन, यानी कि सिंघल, जो कि किसका पुराना नाम था, यह पुराना नाम था श्रीलंका का। तो इसने कि इनमें से कौन सा जो चोल राजा था जिसने श्रीलंका पे सबसे पहले विजय प्राप्त की थी, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, राजा राज प्रथम ने की थी, ठीक है। इसने नॉर्थ जो एरिया था वो कॉन्कर कर लिया था, फिर इसका बेटा है राजेंद्र फर्स्ट, उसने पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था। ये चीज आपको पहले मैं बता चुका था, अर्लीस्ट क्वेश्चन अपने पहले कुछ क्वेश्चन में से ये था, ठीक है। नेक्स्ट, द चोला किंग्स वर रूलिंग ओवर, चोल शासकों का शासन कहां पर था। तो चोल शासक जो थे उनका शासक था आपका तमिलनाडु पर, ठीक है। तो चोल डायनेस्टी अपने लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी सदर्न इंडिया की और ये तमिलनाडु के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वॉज द नेम एट्रीब्यूटेड टू, तीर्थयात्रियों का राजकुमार नाम किसको दिया गया था। तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार नाम दिया गया था आपके
हेनसांग को। हेनसांग आपका कब आया था इंडिया में? 630 टू 644 एडी के अंदर, ये 7th सेंचुरी के अंदर आया था। बुद्धिस्ट स्कॉलर था ये, ठीक है। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया। हर्षवर्धन के टाइम में आया था। तो हर्षवर्धन ने जो कन्नौज असेंबली किसके ऑनर में रखी थी? ये आपके हेनसांग के ऑनर में रखी थी। ये भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, इसी के अंदर मैंने आपके ये इंक्लूड कर लिया क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन आए कि हर्षवर्धन ने कन्नौज असेंबली किसके ऑनर में रखी थी, तो वो रखी थी हेनसांग के ऑनर में, ठीक है। हेनसांग इंडिया किस लिए आया था? तो ये जो बुद्ध, भगवान बुद्ध जो अपने थे, उनसे जो कनेक्टेड, जो भी उनकी जिंदगी से कनेक्टेड जो प्लेसेस थी उनको देखने के लिए, और बुद्धा जो इन्होंने भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी थी उसको अच्छे से समझने के लिए, और भगवान बुद्ध की जो रिलेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट जो हस्तलेख जो थे उनको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई? मदुराई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण आपका करवाया था कुलशेखर पांडे ने, ठीक है। द लैंड मेजर्स ऑफ द सेकेंड पांडियन एम्पायर वॉज मैंशनड इन, दूसरे पांडे साम्राज्य की भूमि उपायों का जो लेख इन निम्न में से किसमें किया गया है? तो वो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, थलाइवीपुरम कॉपर प्लेट्स, ठीक है। थलाइवीपुरम कॉपर प्लेट्स ये पांडे किंग्स ने बनवाया था 1018 एडी से 1054 एडी के बीच में, ठीक है। और ये कसाकुडी जो कॉपर प्लेट्स है, ये जो प्लेट्स हैं, ये आप किससे रिलेटेड है? ये पल्लव किंग से रिलेटेड है। और उथरी मेरूर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये किससे रिलेटेड है? ये चोल डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखिए, अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि कसकुडी जो प्लेट्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं, तो आपका आंसर होगा पल्लव डायनेस्टी से। और उत्तरी मैरूर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो आंसर होगा चोल डायनेस्टी से। और थलाइवीपुरम आपका रिलेटेड है पांडियन किंग से, ठीक है। ये तीनों अपन ने, तीन क्वेश्चन एक में ही कवर हो गए हैं आपने। चलिए नेक्स्ट, हु बिल्ड द फेमस वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम? कांचीपुरम का प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांचीपुरम का जो प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर है उसका निर्माण कराया था नंदीवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। नंदीवर्मन द्वितीय जो कि पल्लव राजा था उसने इसका निर्माण करवाया था, और बाद में इसके जो मध्यकालीन चोलो और विजयनगर जो राजा है इन्होंने भी इसमें बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन मेन कंस्ट्रक्शन कराया था नंदीवर्मन सेकंड ने, और ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द मुक्तेश्वर टेम्पल ऑफ कांची? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था नंदीवर्मन सेकंड ने। तो आप ये देखिए, वैकुंठ, वैकुंठ में आपको मुक्ति मिलती है, तो ये आपके इसके दोनों चीजें वैकुंठ और मुक्तेश्वर एक तरीके से याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये कौन था? ये अपने नंदीवर्मन, बस नंदी आवर्मन याद रखीजिए, वैकुंठ वैकेश्वर और वो मुक्तेश्वर, ठीक है, ये दोनों, ओके। तो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम के अंदर है मुक्तेश्वर मंदिर, और ये भगवान शिव को समर्पित है। इसको बनवाया था ये पल्लव राजा ने, और इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये नंदीवर्मन तक ये डेट होते हैं, तो ये माना जाता है कि नंदीवर्मन ने ही इसको बनवाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटास? राष्ट्रकूट शासकों की आरंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूट शासकों की आपकी निम्न ये सबसे अर्ली जो कैपिटल थी वो थी एलोरा, ठीक है। राष्ट्रकूट की ये अपने सर्टेन नहीं है कि अर्ली कैपिटल कौन सी थी, पर जो मॉन्यूमेंट्स आपको एलोरा से मिलते हैं उससे पता लगता है कि अपने अंदाजे लगाते हैं कि ये एलोरा इनकी राजधानी रही हुई, क्योंकि उस टाइम मालखेड़ में आपको, या मतलब कि मालखेड़ यानी कि मान्यखेत में आपको कुछ भी नहीं मिला। तो ये अपने मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि दंती दुर्ग ने एलोरा के अंदर ही आपकी कैपिटल एस्टैब्लिश की होगी। फिर एलोरा से मान्यखेत या मालखेड़ जो है वहां पर कैपिटल आपकी शिफ्ट की थी अमोघ वर्ष फर्स्ट ने, ठीक है। ये चीज भी आपके सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालखेड़ राजधानी किसने शिफ्ट कर दी थी, विस्थापित की थी? तो अमोघ वर्ष ने की थी, आप याद रखिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश, हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां तक स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है थानेश्वर से कन्नौज, ठीक है। हर्ष ने क्या किया, कन्नौज का जो राजा था उसको हराया,
कन्नौज के राजा को हराने के बाद फिर इसने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी शिफ्ट विस्थापित यानी कि कर दी थी। आज का फिर अपना लास्ट क्वेश्चन, चालुक्य टेम्पल्स यानी कि जैन टेम्पल्स एट दिलवाड़ा आर सिचुएटेड इन, दिलवाड़ा के जो चालुक्य मंदिर हैं जैन मंदिर वो कहाँ पे स्थित है। तो एक तो आ सकता है कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया, ये क्वेश्चन ही बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चालुक्यों ने। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किसने बनवाया, चालुक्य ने। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो मेरी होम स्टेट है राजस्थान वहाँ पर स्थित है ये मंदिर, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहाँ पे स्थित है, ये माउंट आबू में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो इनका मार्बल का जो काम है ये काफ़ी बहुत ही सुंदर था। 11th to 13th century AD के अंदर कई सारे जो जैन लेमेन थे उन्होंने ये बनवाया था। ठीक है, तो ये जैन्स जो हैं उनके लिए ये अच्छा धार्मिक स्थल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, तो आज के हमारे 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। इसके साथ ही आपकी एंशियंट हिस्ट्री भी खत्म हो गई है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आएगी मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसके मेडिवल हिस्ट्री के अंदर अपने पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को और मुगल एम्पायर को, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये स्टार्ट होती है अपने ये जो मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन से ही अपने स्टार्ट कर देते हैं, और ये खत्म होती है ये ब्रिटिश का जो आया था अपने बहादुर शाह जफर के जो ये फॉल हुआ था तब से, तब तक ये अपने पढ़ते रहेंगे मेडिवल को। ठीक है, तो ये मेडिवल जो हिस्ट्री है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इससे, थोड़े आजकल डेप्थ में बनने लग गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियोस को और मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।